जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अतुल टेक बाजार में। दोस्तों मेरे हाथ में है माइक्रोमैक्स की तरफ से रिसेंटली लॉन्च हुआ नोट वन डिवाइस, माइक्रोमैक्स इन नोट वन डिवाइस। और दोस्तों इस वीडियो में यहाँ पे मैं पबजी गेमिंग टेस्ट करने वाला हूँ, साथ ही साथ आप देखेंगे कि बैटरी ड्रेनिंग इसमें कितनी होती है। 5000 mAh की बैटरी इसमें हमें मिल जाती है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर से आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ से कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बैटरी लेवल दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 21% बैटरी यहाँ पर है और टेम्परेचर दोस्तों 30°C का है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं टाइमर को स्टार्ट कर देता हूँ। पबजी तो बैन है, पबजी KR हम यहाँ पर खेल रहे हैं, पबजी कोरियन वर्ज़न। और यहाँ पे अगर ग्राफिक सेटिंग के बारे में बात करें तो ग्राफिक सेटिंग दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो जो मीडियम और बैलेंस में पहले से ही है। यहाँ पे मैक्स टू मैक्स जो ग्राफिक सेटिंग हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं, स्मूथ और अल्ट्रा में हम यहाँ पे खेल सकते हैं और मैक्स टू मैक्स हम यहाँ पे HD में गेमिंग कर सकते हैं। और इसके बाद कोई भी ऑप्शन अभी अवेलेबल नहीं है। तो फ़िलहाल दोस्तों स्मूथ और अल्ट्रा में हम यहाँ पर पबजी गेमिंग अभी करने वाले हैं। दोस्तों माइक्रोमैक्स इन नोट वन में आपको हीलियो G85 वाला गेमिंग प्रोसेसर मिलता है और यहाँ पे ऐसा कुछ लैगिंग इशू अभी तक नज़र नहीं आया है। पबजी गेमिंग जस्ट मैंने स्टार्ट करी है, कोई भी लैगिंग, फ्रेम ड्रॉप वगैरह यहाँ पे अभी देखने को नहीं मिला है। We'll be right back.
यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो लगभग 20 मिनट की पबजी गेमिंग मैंने करी है, 21% पे ही स्टार्ट किए थे और 21% पे ही बैटरी है, बल्कि टेम्परेचर जो है 10 डिग्री इंक्रीज हुआ है, बट बैटरी ड्रेनिंग यहाँ पे 0% है और ऐसा कभी भी कोई भी मोबाइल के साथ नहीं हो सकता। यहाँ पे मुझे लगता है मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट है, बैटरी का यहाँ पे कुछ इशू है, क्योंकि बैटरी परसेंटेज यहाँ पे जितना दिखाता है उतना रहता नहीं है। इससे पहले भी मैंने 2-3 बार पबजी गेमिंग ट्राई करी, जितने परसेंट में मैं खेल रहा था उतना ही परसेंट यहाँ पर बैटरी ड्रेनिंग था, और उसके बाद जो मोबाइल है रिस्टार्ट होने के बाद एक्चुअल बैटरी परसेंट दिखाता था। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस मोबाइल के साथ कुछ प्रॉब्लम है, कुछ इश्यूज़ है बैटरी को लेके, सॉफ्टवेयर को लेके, और आपने बहुत सारे और भी अदर वीडियोस देखे होंगे माइक्रोमैक्स के कि बहुत सारे इश्यूज़ इसमें आ रहे हैं, गोस्ट टच इश्यूज़, बट यहाँ पे दोस्तों बैटरी ड्रेनिंग से रिलेटेड इशू, बैटरी का इशू आ चुका है, क्योंकि मैंने आज ही रिसीव किया है मोबाइल और आज ही यहाँ पर प्रॉब्लम आई है। इस मोबाइल के रिगार्डिंग और भी बहुत सारे वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक लीजिए दोस्तों, बोलते रहिए वंदे मातरम।